नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौहान। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड करोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गाइज, अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। गाइज, अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबंध कोई भी कोर्स कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद आपको यहाँ पर गूगल बार में सर्च करना है CCSU Admit Card 2021। तो इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है CCSU Admit Card 2021। तो मैं इतना टाइप करके सर्च करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर पहला लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ नीचे आना, आपको चौधरी चरण सिंह की साइट पे ही आना है। सो गाइज, आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम CCSU Web.in। तो ये चौधरी चरण सिंह की ऑफिशियल साइट है, तो आपको इस पे आना है एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन 2020-2021। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। गाइज, मैं इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाके इस पेज पे पहुंच सकते हो। इस तरीके से पहुंचने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर मिला होगा। आपको अपना फॉर्म नंबर यहाँ पे डालना है, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरवाया था वहां पर आपको एक फॉर्म नंबर मिला होगा। तो मैं इस फॉर्म नंबर को यहाँ डाल लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको 20 नहीं लिखना है, आपको 20 के आगे के अक्षर आपको लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड दिया हुआ है 55XX। तो इस तरीके से आपको इस कैप्चा कोड को इसमें भर देना है। तो मैं इस कैप्चा कोड को सेम ऐसा ही भर देता हूँ 55XS। तो इस तरीके से आपको यहाँ भरना, अगर ये कैपिटल में दिया हुआ है तो कैपिटल में भरना, स्मॉल में दिया स्मॉल में भरना है। इस तरीके से भरने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम 2021 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आप अपने एडमिट कार्ड को इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, ये हमारा एडमिट कार्ड खुल चुका है। अब इसे आपको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज पीडीएफ, तो आपको इसे अपने पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना अपने मोबाइल फोन में। तो आपको यहाँ पर पीडीएफ का डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइज, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो गाइज, आप अपनी पीडीएफ को चेक करके इसे अपनी पीडीएफ में देख सकते हो। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।